बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कई टीम मिड डे मील की जांच करने राजकीय सूर सागर स्कूल में पहुंची, जहां नियमानुसार दाल और चावल मिड डे मील के रूप में वितरण किया जा रहा था। और इसी दौरान अति जिला अधिकारी सुनील बोडा के द्वारा दाल की क्वालिटी को चेक किया गया, जिसे गुणवत्तापूर्ण पाया गया। वहीं चावलों को गांठों के रूप में बना हुआ देख अधिकारी और स्कूल प्रशासन कंप्लेन करता हुआ भी नजर आया। उसके बाद इसी खाने को बच्चों में परोसा गया। बच्चों में खाना खाते हुए इस खाने को अच्छा बताया। इस मौके पर हमारे संवाददाता के सिंह ने मिड डे मील के खाने का जायजा लिया। राजस्थान सरकार के द्वारा बच्चों को खासतौर पर राजकीय स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था हमेशा की जाती रही है। आज बीकानेर जिले में मिड डे मील का निरीक्षण का दिन है और बराबर यहां पर अधिकारी पहुंच रहे हैं निरीक्षण करने। तमाम सरकारी स्कूलों में अलग अलग अधिकारियों के द्वारा बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद के द्वारा एक तरह से बांटा गया है काम। देखिए यहाँ पर ये मिड डे मील है, बच्चे भी देख सकते हैं आप, यहाँ ये मिड डे मील है, ये दाल है, वो चावल है, देख सकते हैं कि किस तरह से। और ये देखिए बच्चे हैं जो लेके जा रहे हैं मिड डे मील। हम लोग हैं अभी राजकीय सूर सागर स्कूल में, देख सकते हैं, बात करेंगे एडीपीओ सुनील बोड़ा जी से। आज कलेक्टर महोदय के आदेश से पूरे जिले में सभी अधिकारी मिड डे मील की गुणवत्ता, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी गुणवत्ता को जांच करने के लिए हम निकले हुए हैं। हमारे प्यारे भरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो आठवीं तक, उनको मिड डे मील दिया जाता है, उसकी पौष्टिकता का हम पूरा ध्यान रखें। कैसा लगा खाना, खाना कैसा लगा? खास तौर पर अगर हम बात करें तो चावल में हमने भी देखा कि गांठे बांधी हुई है, कुछ ढंग से नहीं। हाँ, चावल में गांठे जरूर थी, लेकिन जब हमारी महिला अधिकारी ने उसको हिलाया तो एकदम वापस वो रिजर्व हो गया। और मैंने उसको खुद चख के देखा है कि पूरे तरह से पका हुआ था, किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं थी। दाल भी बड़ी स्वादिष्ट थी, पूरे मसाले डाले हुए हैं। मैं संतुष्ट हूँ इस कार्य से और यहाँ के प्रशासन से जो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। बच्चे से मैंने बात की, बच्चियां भी खुश है। और बीकानेर जिले में अभी तक क्या माने शिकायतें मिलती है इस तरह की? अभी कोई शिकायतें नहीं आ रही है। आज हम कंप्लेन चला रहे हैं, शाम तक हम देखेंगे, आपस में बातचीत भी करेंगे, हमारे अधिकारी मॉनिटरिंग भी करेंगे, तो कहीं से भी शिकायत आएगी तो हम उसको दुरुस्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। और हम बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की पौष्टिकता के लिए, बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए पूरे अवेयर हैं, सरकार अवेयर है और हमारी पूरी टीम वर्क के साथ हम काम कर रहे हैं। एडीओ सुनील बोड़ा बीकानेर। मैम आप बताएं आपका नाम क्या है और आप बताते हुए हमको जानकारी देंगे। मेरा नाम संतोष शेखावत है, मैं यहाँ इंग्लिश मीडियम में सेकंड ग्रेड इंग्लिश की टीचर हूँ। हम भी सहयोग करते हैं और बहुत अच्छा आता है पूछा। बराबर लगातार खाना बढ़िया आता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आता है। दाल चावल है, मंगलवार को दाल चावल आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं हर तीन दिन के बाद, केले हैं, बिस्किट पैकेट्स है, ये भी दी जाती है सूखी सामग्री में। देखिए हम आपको दिखाते हैं कि बच्चे किस, बच्चों का यहाँ पर खाना चल रहा है, देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से यहाँ पर ये दाल चावल जो आज बना है, आज मिड डे मील में आया है, वो बच्चे आज खा रहे हैं। बात करेंगे इन्हीं में से किसी बच्चों से, बात करना चाहेंगे। कौन सी क्लास के बेटा आप? फोर्थ के हो? यस सर। क्या कैसा लगा खाना? अच्छा। अच्छा खाना तुमका, तुम्हारा क्या कहना है? अच्छा है। अच्छा खाना घर पे अच्छा बनता है? क्या अच्छा बनता है? अच्छा बनता है, यहाँ पे भी अच्छा बनता है, घर पे भी अच्छा बनता है तुम्हारा? अच्छा सर। देखिए बराबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बच्चों का कहना है कि खाना अच्छा है और मिड डे मील की आ चुकी पूरे राजस्थान में, नहीं खासतौर पर बीकानेर में बड़ी जांच चल रही है जगह जगह अधिकारियों की टीम के द्वारा। एक अच्छी कंप्लेन कही जा सकती है बच्चों की, एक तरह से खाने में शुद्धता किस तरह से है या नहीं है उसको जांच। के सिंह।